these boys. These boys. These boys. हैप्पी गुरपूरब आप सबको टू फिल्मी फ्रेंड्स की तरफ से। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि इस गुरपूरब के मौके पे जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, आई थिंक सरकार को उनकी सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। और आई थिंक फार्मर और सोल्जर्स एक ऐसी कैटेगरी है कि इनको हमें हर 24 घंटे खुश रखना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब हर चीज में इनको सबसे ऊपर हमें रखना चाहिए। सोल्जर सेफ्टी करेगा और इनकी प्रेफरेंसेस हमें सबसे पहले रखनी चाहिए। खाना देगा। करेक्ट। दोनों चीजें नहीं होगी तो हमारी जिंदगी yes. कुछ नहीं रहेगी। यस एब्सोल्युटली। और वो इतने जोर शोर से गुरपूरब मना रहे हैं, इतना लंगर की सेवा हो रही है। आई होप उनकी ये जो प्रोटेस्ट है जल्दी खत्म हो। विंटर्स काफी पीक पे है, दिल्ली में पड़ती है और आई थिंक वो पूरे हाईवे पे पड़ती है, वो पूरी जगह में पड़ती है जहाँ पे वो लोग हैं। और सुबह अगर आप सुबह शाम जाओगे तो वहाँ पे काफी ठंड भी होगी इस टाइम पे। तो लेट्स होप कि सरकार थोड़ी उनकी प्लीट को सुने और उनके फेवर में रूल पास करे। बिल्कुल बिल्कुल। विच ब्रिंग्स अस टू बेलेटेड हैप्पी बर्थडे देविका। उस दिन हम वीडियो बना नहीं पाए बिकॉज ये जगह ऑक्यूपाइड थी। देविका अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। And today we will be reacting to कुली 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 को बुलाना नहीं है, बताना है। कुली नंबर वन, कुली नंबर वन, कुली नंबर वन, कुली नंबर वन। और ये फीचर होगी Amazon Prime पे। स्टार्स परेश रावल, वरुण धवन, सारा अली खान, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर। दिखता मैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन हूँ मैं बिल्कुल रामी टाइप का। आए उस मूवी और इस मूवी में क्या कॉमन है? किस मूवी में? जिसका तूने डायलॉग बोला है। वो भी वरुण धवन की थी। वो तो थी। ये भी वरुण धवन की है। वो भी उनके पापा ने बनाई थी। डेविड धवन ने। पापा ने बनाई। Yeah. पापा पापा बेटे को काम दे रहे हैं। 25th फिल्म एंड रिलीजेस क्रिसमस पे 25th December 2020 Amazon Prime पे। ओके। ये अच्छा किया उन्होंने कि OTT पे नहीं, OTT पे गए हैं रादर देन थिएटर्स। थिएटर्स। व्हिच इज गुड। गुड 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 गुड। तो काफी मतलब क्या कहते हैं वो हाइप है इस ट्रेलर की। ऑडियंस की फ्यूरी, ऑडियंस का गुस्सा निकल रहा है इस ट्रेलर पे कि क्यों क्यों और क्यों। तो हम देखना चाहते हैं कि उसका जवाब क्यों 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 है, क्यों है? क्या है ऐसा, क्या कर दिया वरुण धवन ने? लेट्स सी। तो करें, चलो खोले, आइए कोली ले लीजिए, तूती पहन लीजिए, लेट्स स्टार्ट। मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले। उसने उसे हिंदुस्तान का रिची रिच हस्बैंड दिया है। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बुर्ज खलीफा इसका है, और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले। तुमको मालूम किससे बात करता है? कितने सिंगापुर का राजा महेंद्र प्रताप का बेटा कुंवर राज प्रताप सिंह। आप कुंवर साहब हैं? सेक्रेटरी, ATM का फोन है। ATM सर। अंबानी, ट्रंप, मोदी, कॉन्फ्रेंस कॉल है। उसने सुहाना, इश्क है दीवाना, आंखें दीवानी। एक मुंबई का बंगलो दिखा दीजिए बस। शाओ, शिमाशो की शामाशी, जूस की माकी, जूस की माकी, जूस की माकी। जो, मतलब हमारा जूस किम का बंगला आके देखना। चुराना मेरा जिया, चुराना। मामा जी मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। माँ का घोंसला छोड़ के भांजी के घोंसले में रहना चाहते ना? इंस्पेक्टर, ये अपना चुड़वा भाई है। कंप्लेन किया डोम्बे वाली के खाली भाई। पहले एक और लड़की लेके आया। वो मेरी बेटी है। और एक और लड़की लेके आया। You jolly young man, वो भी मेरी बेटी है। Heaven on the docks, man. जुड़वा out of the box, man. ओ बड़ी boy. Deploying लड़की फसाई। मम्मी कसम मैं तो गया टाई। आपने कभी उनको एक साथ देखा है? एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो पहला आता है। तो कौन है वो?
वो सिर्फ कुली है, कुली है, कुली है, वो कुली है, कुली है, कुली है। ये दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर वन। कोई शक ए कुली। मैंने पहले कहीं देखा है आपको। मैं नौजवानों की दिल की धड़कन हूँ, रातों की रानी हूँ। What's a man? Heaven on the dock man, beauty in the frock man. चल बे ठड़की। क्या हुआ? Do the honors. मैं करूँ? Do the honors आज आप कर दीजिए, please. Please. मैं बार बार कोशिश कर रहा था, मैं टाइम देखूं कि ट्रेलर कब खत्म हो। स्टार्टिंग के ना 10 सेकंड में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, मैं गलत जगह बैठा हूँ। और नहीं, जगह सही बैठे, चीज गलत देख रहे हैं। मतलब टॉर्चर था भाई, ये टॉर्चर ही था। ये वो कुली नंबर वन है जिसमें वो सामान उठाने के अलावा सब कुछ कर लेगा, वो ऐसा कुली होगा। मुझे समझ नहीं आता, एक चीज बता दो। पहली कुली नंबर वन डेविड धवन साहब ने बनाई थी, yes. ठीक है, गोविंदा साहब थे, yes. इतनी बड़ी जो उनकी एक हिट पिक्चर थी, गोविंदा साहब को भी हो रहा होगा कि ये पिक्चर क्यों दोबारा बनाई जा रही है। मतलब उन्हें भी कुछ हो गया होगा रीमेक बनाने की, मुझे तो कुछ दम लगा नहीं। और रीमेक्स ना एक्चुअली पता नहीं, एक टाइम था रीमेक्स थोड़े बहुत समझ आते थे, बट अब नहीं समझ आते यार। अब लगता है कि यार डायरेक्टर या मतलब इंडस्ट्री शॉर्ट ऑफ आइडियाज। वरुण धवन की कोई पिक्चर नहीं आई, बहुत ज्यादा गैप ना आ जाए, ऑडियंस उन्हें भूल ना जाए, आउट ऑफ साइट ना हो जाए, तो कुली नंबर वन का रीमेक बना दो। मैं कहता हूँ अगर आप रीमेक चूज भी कर रहे हो, ठीक है, आपने एक 90s की पिक्चर है, वो अर्ली 90s की, आपने एक अर्ली 90s की पिक्चर को उठा लिया, ठीक है, आपके पास एक पूरी की पूरी बैकग्राउंड पूरा क्लियर है कि आपको पिक्चर कहाँ लेके जानी है, ठीक है। इतना बड़ा स्टार का साहब लेके बैठे हो, परेश रावल साहब, उनकी डायलॉग में, उनकी एक्टिंग वगैरह में कोई कमी नहीं है, बट उनको डायलॉग्स ही नहीं मिले हुए। जावेद जाफरी साहब हमेशा उनको पता नहीं क्यों उनकी नेचुरल लुक में नहीं डालते हैं, वो उनको अजीब सा बना देते हैं। उसके बाद एक और कॉमेडियन राजपाल यादव, इनके पास वरुण धवन को कॉमेडी मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से कर सकते हैं। मुझे लगता है वो यही जॉनर कर सकते हैं, हम इस बात पर थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे, मुझे लगता है वो यही जॉनर करेंगे, बट ऑडियंस उनसे और भी कुछ देखना चाहती है, इस जॉनर पर वो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। जैसे उन्होंने एक बदलापुर करी थी, मूवी अच्छी थी, उन्होंने रोल मेरे ख्याल से अगेन एवरेज ही किया। ऐसी पिक्चर आपको करनी पड़ेगी, आप रीमेक बना रहे हो, आपका पूरी हिस्ट्री क्लियर है, फिर भी आप एक पिक्चर ऐसी। मेरे को पहले तो ये लग रहा था कि ये गाने को प्रमोट कर रहे हैं, गाने सारे उन्होंने वही कुली नंबर वन के उठाए हुए। हाँ। मतलब ट्यून और सिंगिंग भी, सिंगर भी वही, सिंगर बीट्स डाल दी, थोड़ी बीट्स डाल दी, बेस डाल दी, कि आज के जमाने में ये चलता है वो डाल दो। मतलब आप क्यों ही बना रहे हो मूवी, नहीं बना ऐसे नहीं होगा। मतलब 2020 में इस बारी मेरे को नहीं लगता कि कोई त्योहार पे कोई अच्छी पिक्चर नहीं आएगी। Exactly. दिवाली पे लक्ष्मी बॉम्ब आई, डिसअपॉइंट कर गई, ठीक है, अब क्रिसमस पे, और जबकि क्रिसमस पे आमिर खान साहब अपनी पिक्चर लेके आते थे कि बंदे जाते थे देखना चाहते होते थे कि क्या आ रहा है। Yes. मतलब नहीं, सॉरी टू से। और अभी इसमें कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है कि आलिया भट्ट, आलिया भट्ट कह रहा हूँ, सारा अली खान को स्क्रीन स्पेस कम दिया हुआ है, वो कह रही है कि आप कौन होते हो मेजर करने के लिए कि वरुण धवन को ज़्यादा स्क्रीन स्पेस दिया हुआ है, उसमें भी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। जब उन्होंने पिक्चर साइन करी थी तो उनको पता था कि उनको कितना स्क्रीन स्पेस मिलेगा। करेक्ट, ठीक है, तो आप इतनी वो उसमें मत जाओ, आपको पसंद आ रही है आप देख लो, नहीं पसंद आ रही है छोड़ दो। और हम बोले हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, बाकी ट्रेलर इज टू मच कलर, बेसिर पैर के डायलॉग्स तो बहुत ही एक डायलॉग बॉक्स ट्विंस इन पता नहीं क्या ही बोली जा रहे हो। एंड में जो नर्स बन के आए ना, वो तो बस मेरे लिए बिल्कुल वही हो गया कि बस बंद कर दो इसको। बर्दाश्त के बाद शुक्र है उस टाइम ही बंद हो गया वो। मतलब वो सिर्फ कूली का काम नहीं करेंगे, मतलब एक कूली कहां से इतना वो, मतलब उसके पास, और चाहे जितने इसमें जावेद जाफरी जॉनी लीवर और इधर पिक्चर को नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, मुझे नहीं लग रहा है पिक्चर अच्छी होगी। ये
टॉर्चर हो सकती है। मतलब आप स्टोरी क्या करना चाहते हो, आप रिच हो, आपको क्या है वो ATM का फोन है, कॉन्फ्रेंस, ये सब डायलॉग ना मुझे आज तक पसंद नहीं आया, नहीं समझ आया, लिखने वाले भी पता नहीं क्यों लिखते हैं। और आप डेविड धवन साहब, आप एक टाइम पे इतनी अच्छी कॉमेडी पिक्चर बनाते थे, आपकी डायरेक्शन पे लोग हंसते थे। Exactly. कि आप बना रहे हो, आप लोगों को, तो डेविड धवन की कोई दो पिक्चरें बता दे जो नंबर वन नहीं होंगी। एक तो पार्टनर है, नंबर वन नहीं है। शुक्र है, एक और शुक्र है, दो पूछ ली। एक और ऐसे याद नहीं आती, देख एक और थी वो, मैंने वो जो वरुण धवन की थी वो भी बहुत अजीब सी थी यार। मैं तेरा हीरो बहुत सारी मूवीज है उनकी, बट नंबर 45th है, ज्यादा याद रखा जाता है। स्कूली नंबर वन, ये गोविंदा के साथ उनका जब टाइप था ना, तो वो काफी अच्छा था। खिलाड़ी भी नहीं, मतलब वो देखो ना कि आपकी एक पिक्चर है जो क्या काम कर चुकी है। हाँ, बट मैं एक ये भी चीज कहूंगा कि देयर वाज अ टाइम डेविड धवन की मूवीज वर्क करती थी, फैमिली एंटरटेनर्स होती थी, 90s की बात है, और थोड़ी बहुत अर्ली 2000 की भी कह सकते हो, वो सब मूवी जो संजय दत्त और गोविंदा की नहीं आई थी, हसीना मान जाएगी, ये सब भी डेविड धवन की है। बट जोड़ी नंबर वन, बट अब टू मेक हिम रेलिवेंट आज के दौर में, टू कीप योर सेल्फ स्टिल, मतलब ऑडियंस की नजर में एक हाई रैंक पे, आपको कुछ अलग करना होगा। आप एक चीज देखो, इस बारी क्रिसमस पे इतनी सोशल गैदरिंग नहीं होगी, ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। आपका इतना बड़ा दिन था कि 25 दिसंबर को सब फैमिलीज अपने साथ सेलिब्रेट करती है। वैसे ये मूवी का रिलीज फरवरी में था, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो पोस्टपोन हो गए, ठीक है। उसके बाद भी आप ऐसी पिक्चर बना रहे हो कि फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं, फैमिली को टॉर्चर मिल सकता है। मैं तो सीधी कह रहा हूँ, सॉरी टू से दैट, भैया बुरा मत मानना। देखो समझ आ रहा है कि व्हाई पीपल आर हेटिंग इट, यस ठीक है। ट्रेलर अच्छा लगा या जैसा भी लगा, वीडियो आई एम श्योर आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगा होगा, तो आपने लाइक शेयर कमेंट करके अपना सपोर्ट देना है, सोशल हैंडल्स पर फॉलो करना है, बेल आइकन प्रेस करना है नोटिफाइड रहने के लिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल पर ट्यून इन रहो। ओके, बाय बाय, सी यू, कुली 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 कुली।